गुजरात के भरूच कोविड अस्पताल में भीषण आग, आग की चपेट में 16 कोविड मरीजों समेत 18 लोगों की मौत। कोरोना के खिलाफ आज से जंग और तेज, 18 साल से ऊपर वाले लोगों को लगेगा टीका, कई राज्यों ने हाथ खींचे। दिल्ली में आज से होने वाले वैक्सीनेशन पर संशय बरकरार, केजरीवाल बोले हमारे पास वैक्सीन आज या परसों तक पहुंचने की होंगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 375 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम, एक दिन में 27,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। ऑक्सीजन दवा के बाद मुंबई में अब वैक्सीन संकट, बीएमसी ने की सहयोग की अपील। मुंबई में 18 साल से ऊपर वालों को दी जाएगी वैक्सीन, 5 सेंटर पर दी जाएगी वैक्सीन। लॉकडाउन पर उद्धव ठाकरे ने कहा महामारी महाराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ रही, लेकिन अब ज्यादा पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं। मुंबई में सभी कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 89 मरीजों ने तोड़ा दम, 24 घंटे में 3,925 नए मामले। महाराष्ट्र में नहीं थम रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 62,919 नए मामले सामने आए, जबकि 828 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ की शर्मनाक करतूत, कोरोना मरीज की जेब से पर्स निकलते सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। देश में कोरोना के हालात पर स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने कहा महाराष्ट्र में मृत्यु दर सबसे ज्यादा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा महाराष्ट्र, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में करीब 50% मौत, कोरोना से मौत पर दिल्ली अब दूसरे नंबर पर। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस्तेमाल पर एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया की सलाह, डॉक्टर के सलाह के बिना रेमडेसिविर इंजेक्शन न लें। गुलेरिया ने कहा होम आइसोलेशन में मरीजों को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं, बुखार या खांसी 5 दिनों से ज्यादा वक्त से है और ठीक नहीं हो रही तो इनहेलर ले सकते हैं। गुरुग्राम समेत हरियाणा के 9 जिलों में 30 अप्रैल से 3 मई तक वीकेंड लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर नहीं पड़ेगा प्रभाव। यूपी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में 34,626 नए केस, 295 लोगों की मौत। वाराणसी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1690 नए मामले, 13 लोगों की मौत। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बीते 24 घंटे में 1,310 नए मामलों की हुई पुष्टि, जबकि 10 संक्रमितों की गई जान। उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जारी, मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी पाबंदी, केवल आवश्यक सेवाओं और वैक्सीनेशन के लिए आने जाने की अनुमति। यूपी में आज से शुरू होगा 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन, 9,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज वाले जिलों में आज से होगा वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश में 18 से ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में वैक्सीन लगेगी। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू, बीते 24 घंटे में मिले 5,654 नए मरीज, 122 ने गवाई जान, राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 56,000 के करीब। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला, क्लास 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 10 मई तक रहेंगे बंद। यूपी के कोचिंग संस्थान को भी बंद करने का आदेश, ऑनलाइन क्लासेस भी स्थगित रहेंगे। बागपत में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले का मामला, पुलिस ने 5 नामजद के खिलाफ मामला किया दर्ज, एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आज से देशभर में शुरू होगा 18 प्लस के लोगों का वैक्सीनेशन, छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगा तीसरे चरण का वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों की सीएम शिवराज ने पीएम को दी जानकारी, ग्रे रेल और साथ ही पेट्रोलियम मंत्री से भी फोन पर की बात, पीएम ने प्रयासों पर जताया संतोष। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 12,400 नए मरीज, एक दिन में 97 लोगों की मौत। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बोकारो से मध्य प्रदेश पहुंची दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस, कटनी और जबलपुर में उतारे गए 2 टैंकर। राजस्थान में आज से 18 प्लस वालों को लगेगा टीका, सीरम इंस्टीट्यूट से 5,44,000 वैक्सीन मिलने की मिली स्वीकृति, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने दी जानकारी। राजस्थान में आज एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 155 कोरोना संक्रमितों की मौत, 17,155 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजस्थान में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर सीएम गहलोत ने की समीक्षा बैठक, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बढ़ती मौतों पर जताई चिंता। राजस्थान में अब 17 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, जारी हुई नई गाइडलाइन। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जनता के सामने हाथ जोड़े, कहा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। भीलवाड़ा में इंसानियत हुई शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर कोविड पॉजिटिव महिला को ठेले पर रखकर लाया गया अस्पताल, बनेड़ा चिकित्सालय में महिला ने तोड़ा दम। वैक्सीन की कमी के चलते पंजाब में आज से शुरू नहीं होगा 18 से 45 साल के लोगों का वैक्सीनेशन, कोरोना समीक्षा बैठक में बोले पंजाब के मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ के मॉडल जेल में कोरोना का कहर, अब तक 3 महिलाओं समेत 33 कैदी कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में मिले 15,853 नए मामले, जबकि पटना में 2,844 मरीज मिले। बिहार में आज से नहीं हो पाएगा 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण, वैक्सीन की कमी के चलते देर से शुरू होगा वैक्सीनेशन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब निजी अस्पतालों को देगी अपने वेंटिलेटर। बिहार में नाइट कर्फ्यू के दौरान सड़क पर पसरा सन्नाटा, कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों से वसूली जा रहा है जुर्माना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर लगी मुहर, कोरोना संक्रमित सरकारी कर्मियों की मौत पर मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन।
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फिर से केंद्र सरकार पर साधा निशाना। वैक्सीन को लेकर शोषण करने का लगाया आरोप, कहा 15 मई के बाद ही वैक्सीन का ऑर्डर संभव। कोरोना काल के बीच बोकारो में दिखी बड़ी लापरवाही, एम्बुलेंस की ऑक्सीजन खत्म होने से गई मरीज की जान। गोवा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3024 नए मामले सामने आए, 22 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर में आज से नहीं शुरू होगा टीकाकरण का तीसरा चरण, प्रदेश में टीकों की कमी। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,605 नए मामले सामने आए, 173 लोगों की जान गई। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में कोरोना के 48,296 नए मामले, 217 संक्रमित लोगों की जान गई। बैंगलोर में सैनिटाइजेशन के लिए ड्रोन का होगा इस्तेमाल, ड्रोन की मदद से मेडिकल उपकरण को भी पहुंचाया जाएगा।